अली, जारा, अलिश्पा, बबलू और जफर बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो हर वीकेंड पे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके एक आउटडोर ट्रिप पे जाते थे और इस वीकेंड उनका कैंप फायर पे जाने का प्लान बना था। और फिर वो दिन भी आ गया। ज़ारा, अलिश्पा और तुम जफर, जो जो जरूरत की चीजें मैंने कही थी सब रख ली ना तुम लोगों ने अपने साथ? हाँ, रख ली। हाँ, मैंने भी रख ली। अब ये बबलू कहाँ रह गया है? ये बबलू भी ना हर जगह हमेशा लेट ही पहुँचता है। जरूर रास्ते में खाने की चीज लेने के लिए रुक गया होगा। हाँ, मैं आ गया। अबे यार, एक तो तेरी आवाज ऐसी है कि पता ही नहीं लगता तू लड़का है या लड़की। देख जफर, तुझे पहले भी मैंने कितनी दफा कहा है मेरी आवाज का ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद तो नहीं बनाई ना। ओके, रिलैक्स गाइस, क्या हो गया है तुम लोगों को? चलो निकलते हैं अब। और फिर वो लोग दो अलग अलग गाड़ियों में वहां से मौज मस्ती करते हुए सफर के लिए रवाना हो गए। दो घंटे का सफर तय करने के बाद वो अपनी मंजिल यानी के फॉरेस्ट पहुंच गए। यार मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है, पहले कुछ खा पी लेते हैं। यार तुझे तो हर वक्त भूख ही लगी रहती है, अभी हमें यहाँ आए देरी कितनी हुई है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। और मुझे भी। ऐसा करते हैं ना, पहले खाना ही खा लेते हैं। खाना तो बड़ा ही मजे का है। वाह वाह, मजा आ गया। हाँ भाई, खाना तो हम सब ने खा लिया, अब बारी है एक दूसरे को मजे मजे की कहानियां सुनाने की। कहानियां? किस तरह की कहानियां? जिस तरह का माहौल है उसी तरह की कहानियां होंगी। खौफनाक जंगल, रात का वक्त। यार किस तरह की बातें कर रहा है तू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कम ऑन यार, क्या हो गया है? ये डर वर कुछ नहीं होता, बस हमारा वहम होता है। वैसे भी हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। अच्छा तो फिर सबसे पहले कौन सुनाएगा कहानी? हाँ तो चलो मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक वाकया है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक तुम सबको भी नहीं बताई। लाइब्रेरी के साथ जो एक कमरा है जो हमेशा लॉक रहता है, पता है ना तुम लोगों को? हाँ हाँ, देखा है हमने। हाँ पता है मुझे। तो उस दिन मैं स्कूल जल्दी आ गई थी, तो उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं ना चाहते हुए भी उस कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो घोर अंधेरा था, और मैंने जैसे ही चलना शुरू किया मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। और जैसे ही मैं वापस जाने के लिए पलटी तो दरवाजा जोर से बंद हो गया। खौफ से मेरा बुरा हाल था, मैं कांप रही थी, और फिर मैं नीचे गिर के बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया मैं स्कूल के सिक रूम में थी। ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा तो ये उस दिन की बात है जिस दिन स्कूल आते ही हम तुम्हें सिक रूम में देखने आए थे, तुमने उसी दिन हमें क्यों नहीं बताया? बस पता नहीं, मैंने कहा कि कोई मेरी बात का यकीन करे भी या ना करे, और मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। यार अब मैं तो अपना स्कूल बदल ही रहा हूँ। यार तुम लोगों को कितनी दफा कहा है, ये डर भर कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ हमारा वहम होता है। जारा का भी यकीनन वहम ही होगा। अब कौन सुनाएगा कहानी? जारा ने वैसे हम सबको बहुत अच्छा एंटरटेन किया है। अब मैं सुनाऊंगी। यार बहुत देर हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह फॉरेस्ट एक्सप्लोर भी तो करना है ना। मुझसे तो नींद पूरी ना हो तो चला भी नहीं जाता। यार हम यहाँ सोने थोड़ी आए हैं, और वैसे भी अगर एक दिन नहीं सोएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस जंगल के बारे में मैंने इतनी बातें सुन रखी है ना, अब इसको एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा। बातें सुन रखी हैं? क्या मतलब है बातें सुन रखी हैं? कौन सी बातें, किस तरह की बातें, हमें तो तुमने कुछ नहीं बताया। यही कि यहाँ एक फैमिली आई थी ट्रिप पे और उन सब ने मिलके एक लेडी को मार दिया और उसकी रूह जो है इधर फिरती है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हें एक नॉर्मल बात लगती है? और क्या, रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ यार, चलो सब अपना अपना सामान उठाओ और फौरन वापसी के लिए निकलते हैं। ओहो प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम सब लोग। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? हाँ हाँ मैंने भी सुनी, बहुत ही खौफनाक आवाज है ये। तुम लोग जाओ या ना जाओ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ओ बबलू बबलू, सुनो तो सही। ओहो तुम लोग को क्या हो गया है, हम जंगल में बैठे हैं, जंगल में इस तरह की रात को आवाजें आना बहुत नॉर्मल बात है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है अली, तुम हम सबको पता नहीं कहाँ ले आए हो, हम सब की जानों को खतरे में डाल दिया है तुमने। सुना तुम लोगों ने, ये तो बबलू की आवाज थी। हाँ ये उस तरफ से आई है, चलो चलो जल्दी से जाके देखते हैं। यार आवाज तो यहीं से आई थी लेकिन बबलू दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो, वो कौन है, क्या वो बबलू है? बबलू बबलू, क्या हुआ तुम्हें? तुम कहते थे ये डर भर कुछ नहीं होता है, हमने अपना एक दोस्त खो दिया है, अब हमें फौरन से पहले यहाँ से निकलना चाहिए। तुम लोग यहाँ से बच के कहीं नहीं जा सकते, तुम सब मरोगे। वाह मैंने अभी जली हुई औरत देखी। हाँ हाँ मैंने भी देखा है, फौरन निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। हाँ हाँ हमें जल्दी सबको यहाँ से निकलना होगा। जारा और जफर कहाँ हैं? पता नहीं, हमारे पीछे ही तो भागते हुए आ रहे थे। तो फिर हम लोग तो निकलते हैं यहाँ से। तुम कितने सेल्फिश हो अली, हमें उनका वेट करना चाहिए, वो हमारे दोस्त हैं, हमें उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया, मैं भी नहीं बचूंगी। तुमने ये चीख सुनी, ये जफर और जारा की है, हमें फौरन निकलना होगा वरना हम ही नहीं बचेंगे। नहीं मैं उन लोगों के लिए मगर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें ज्यादा शौक है तो तुम यहीं उतर सकती हो, मैं जा रहा हूँ। नहीं अली नहीं, रोको रोको गाड़ी रोको। और इस तरह अली और अलिश्मा ने उस जंगल से निकलने की कोशिश की ही थी तो दरअसल कुछ साल पहले यहाँ एक फैमिली पिकनिक ट्रिप पे आई थी जिसमें दो मियाँ बीवी, उनके दो बच्चे और लड़की के सास ससुर भी साथ थे। कुछ वजूहात की बिना पे सास ससुर और उसके शौहर ने अपनी बीवी को वहीं जला दिया और जलाने के बाद पानी में फेंक दिया जिससे वो मर गई। और उस दिन के बाद से ही इस जंगल में जो कोई भी आता है वो कभी भी वापस जिंदा बच के नहीं जाता।